हेलो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो आज फिर से हम आगे हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के जो कि आपके टेंथ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा तो हमने जो पिछले पार्ट करवा दिया है उसको आप कर कर लीजिए जा कर के देख लीजिए ये आपका पार्ट शायद सेवन होगा ये और पार्ट सिक्स तक हमने करवा दी है ठीक है तो मिसलेनियस क्वेश्चन को आप देखना ना भूलें इससे आपको पता चलेगा कि आपने तैयारी कितनी की है यह सोशल साइंस सब्जेक्ट का है मिसलेनियस क्वेश्चन तो इस वीडियो में नवासी नंबर क्वेश्चन से हम लोग चलेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी मित्र तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना अठारह ईस्वी में किया गया था ठीक है ना जिसके जो प्रथम अध्यक्ष थे रमेश चंद्र बनर्जी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो संस्थापक हैं वो एओ ह्यूम है एओ ह्यूम का पूरा नाम की अगर मैं बात करूँ तो अंगलिकन ऑक्टोबियन ह्यूम कहा जा सकता है जो कि संस्थापक हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अगर प्रथम अध्यक्ष की मैं बात करूँ तो उमेश चंद्र बनर्जी हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अगर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की मैं बात करूँ तो बदरुद्दीन तैयब है और अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अगर प्रथम महिला की मैं बात करूँ तो वह हैं एनिवेसेंट और अगर मैं बात करूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के भारतीय महिला कौन थे सबसे प्रथम तो सरोजनी नायडू हैं तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा और अगला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है किस किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई तो किस किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी मित्र तो बारदौली सत्याग्रह के दौरान उन्हें दिया गया था अगला जो क्वेश्चन है अगला है साइमन आयोग में भारतीय सदस्यों की संख्या कितनी थी तो साइमन आयोग में भारतीय सदस्यों की संख्या जो थी जीरो थी मतलब एक भी नहीं था साइमन जो कमीशन आया था मित्र जो साइमन कमीशन उन्नीस सौ सत्ताईस ईस में गठन हुआ था और तीन फरवरी उन्नीस सौ अट्ठाईस ईस्वी को जो बंबई में आया था सबसे पहले साइमन आयोग तो साइमन साइमन आयोग में सदस्यों की संख्या सात थी जिसमें सब के सब अंग्रेज था सब के सब क्या था अंग्रेज था और जिसके जो अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन थे तो भारतीय सदस्यों की संख्या एक भी नहीं थी गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था गदर पार्टी की स्थापना ठीक है अगला देखिए क्वेश्चन पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है मित्र तो ये लाला लाजपत राय हैं दादा भाई नरोजी हैं जिन्होंने सबसे पहले अठारह सौ ईस्वी में इन्होंने बतलाया कि भारत देश की जो राष्ट्रीय आय है बीस रुपया है ठीक है आगे देखिए विश्व प्रतिवर्ष किस देश को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है तो विश्ववें प्रतिवर्ष किस देश को किस दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, है, है मित्र तो पाँच जून को पाँच जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है अगला क्वेश्चन है ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है मित्र तो यह नवीकरणीय संसाधन है ठीक है मतलब कि यह क्षय होने वाली संसाधन नहीं है भारत के कितने प्रतिशत भूमि पर मैदानी क्षेत्र पाई जाती है तो तैंताली प्रतिशत जो जगह है उस पर मैदानी क्षेत्र पाया जाता है बिहार की सबसे पुरानी और सबसे पहली सिंचाई परियोजना कौन सी है तो यह सोन परियोजना है जो बिहार की सबसे पुरानी और सबसे पहली सिंचाई परियोजना है यह अंग्रेज सरकार में यह परियोजना बनाई गई थी जब अठारह सौ चौहत्तर ईस्वी में यह निर्माण करवाने की जब स्टार्ट हुआ था परियोजना बनाने की तो अठारह सौ चौहत्तर ईस्वी में यह बनाई गई थी तो यह स्वर्ण परियोजना है जो सबसे पहले बनाया गया था गोविंद सागर झील किस नदी से संबंधित है मित्र तो गोविंद सागर झील जो है यह सतलज नदी से संबंधित है जब सतलज नदी व भाखड़ा नंगल परियोजना जो बांध बनाया गया था मित्र जो कि यह पंजाब में बनाई गई है जो कि भारत देश की सबसे दूसरी ऊंची परियोजना के रूप में जाना जा सकता है ठीक है ना टिहरी के बाद तो यह जो है जो बनाई गई थी इसी में हिमाचल प्रदेश के जगह जो है वहाँ पे सतलज नदी पर यह जो गोविंद सागर झील बांध बनाई गई है आगे देखिए भारत में वन आच्छादित भूभाग का क्षेत्रफल किस राज्य में सबसे अधिक है तो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में क्योंकि यहीं पे है हज़ार चार सौ किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है जो वन आच्छादित यहाँ है, है मतलब वन से भरा हुआ है यहाँ भूभाग ठीक है और अगर केंद्र शासित प्रदेश की मैं बात करूँ तो लजद्वीप में सबसे ज़्यादा हो गया है ठीक है ना लगभग नए पॉइंट चार तीन प्रतिशत इस टाइप का और इधर मणिपुर में शायद यहाँ भी छियासी परसेंट या कुछ हो चुका है ठीक है ना दो हज़ार इक्कीस की रिपोर्ट के अनुसार मैं बतला रहा हूँ पिछले रिपोर्ट में मेघालय टॉपअप थी प्रतिशत की मात्रा में राज्य में और अंडमान इकबार क्या बोलते हैं यूनियन टेरेटरी एटमेंस केंद्रशासित प्रदेश में था भारत का पहला जो जीव आरक्षण क्षेत्र है वह सबसे पहले नीलगिरी को बनाया गया था जब यूनेस्को ने आरक्षित क्षेत्र बनाया गया जयमंडल को आरक्षित क्षेत्र करने के लिए घोषित किया गया तो उन्नीस सौ इकहत्तर ईस्वी में नीलगिरी को सबसे पहले इन्होंने आरक्षण क्षेत्र घोषित किया था नील नीलगिरी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क नहीं है तो लौह अयस्क किसमें से कौन नहीं है तो लाइमोनेट भी है एंथ्रासाइट नहीं है क्योंकि यह कोयला का प्रकार है और कोयला का सबसे सर्वोत्तम प्रकार है सबसे अच्छी प्रकार है एंथ्रासाइट जिसमें कार्बन की मात्रा नब्बे प्रतिशत होती है हेमाटाइट और मैग्नेटाइट जो होती है यह है लोहा का अयस्क है ठीक है मैस्कोवाइट का संबंध किस खनिज से है तो अब्रक से है मैस्कोवाइट का संबंध किस खनिज से है अब्रक से है पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान मिलता है तो पेट्रोलियम मिलता है औसाधी चट्टान मिलता है औसाधी चट्टान जिसको हम प्रदार चट्टान के रूप में भी जाना जाता है चूँकि जब पृथ्वी से मैग्मा बाहर आती है तो वो बहुत ही हीट होती है जो कि वह अग्नय चट्टान के रूप में होती है और उसके बाद जो जितने जो पेड़ पौधे जो होती है बाकी जो छोटे मोटे जो जीव ये सब होते हैं वो इसी चट्टान के अंदर दबे होते हैं और साधी चट्टान के अंदर और इसी में आपका खनिज लवान मिलेगी पेट्रोलियम पदार्थ मिलेगी ठीक है अगर देखिए किस खनि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र में गणराज और समाजवाद शब्द जोड़ा गया था तो यह संविधान के बेल संशोधन उन्नीस सौ छिहत्तर ईस्वी के द्वारा यह जोड़ा गया था ठीक है तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए ठीक है इसी तरह से आपको आपको वीडियो मिलते रहेंगे एग्जाम तक ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो